हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। हेलो सबको, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज क्या है, आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंच वनीला केक, इंस्टेंट पैक मिक्स वाला। बट स्पेशल क्या है, इंस्टेंट पैक है ये, तो स्पेशल ये है कि इंस्टेंट पैक मिक्स केक को भी आप फ्लपी, ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा यम्मी कैसे बना सकते हैं। तो आज का जो रेसिपी है बेस ऑन द ट्रिक्स, कि मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इंस्टेंट पैक पैकेट को बहुत ही यम्मी एंड फ्लफी केक बना सकते हैं। जो उसमें लिखे होते हैं प्रोसीजर, आप उस प्रोसीजर से थोड़ा अलग करना होगा आपको, और वो और भी यम्मी एंड फ्लफी एंड टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो कुछ टिप्स जिससे कि हमारा केक बनेगा और अच्छा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले हूँ रेडी केक का, सो चलिए देखते हैं टिप्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंच वनीला का केक पैक, ये रेडी केक पैक आता है इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट केक पैक। इसमें इंस्ट्रक्शन यू कैन सी, 1 कप वाटर, 3 लार्ज एग, 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो फॉर द सॉफ्ट केक, बहुत ही फ्लफी एंड सॉफ्ट केक के लिए क्या टिप्स है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस इंस्ट्रक्शन के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारा केक और टेस्टी और फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने ये पैकेट इसके खोल लिए हैं, जो इसमें केक मिक्स था वो बाउल में डाल लिया है। यहाँ पे लिखा था फ्रेंड्स 1 कप वाटर, 1 कप वाटर की जगह हम ले रहे हैं 1 कप मिल्क, होल फैट मिल्क, 1/3 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल लिखा था, उसकी जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं मेल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर, 3 eggs लिखे थे, लार्ज eggs, तो हम यहाँ पे 4 लार्ज egg यूज़ करने वाले हैं। तो ये चेंजेस है जिसकी वजह से आपका केक बनेगा और भी सॉफ्ट, फ्लफी और भी टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं इसे, और मैं फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ये डंकिन हाइंस का क्रीमी होम स्टाइल फ्रॉस्टिंग क्लासिक वनीला। बहुत जल्दी मैं आपको घर में फ्रॉस्टिंग कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो डालूंगी। तो चलिए फिलहाल बनाते हैं इस इंग्रेडिएंट से बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट केक। थोड़ा सा चेंजेस ये था आज का मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स, इस ट्रिक से हम बनाएंगे और सॉफ्ट केक। और आज मेरे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मिक्स करती हूँ बटर, 1/3 कप ऑफ वाटर, ये मैंने मेल्ट करके रखा था, और मिक्स करते हैं मिल्क, 1 कप मिल्क, और एक एक करके अंडे। तो एक एक करके मैं इसमें डालती हूँ हमारे अंडे, इस तरीके से फोड़ के सारे अंडे डाल लें। और अब हमें इसे कर लेना है मिक्स, मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं, और अब इसे करती हूँ मिक्स। इस तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। अब हमें हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना है, और इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक एकदम स्मूथ ना हो जाए, सारे लम्स ना इसमें से खत्म हो जाए। मैं लिटिल हेल्पर हेल्पिंग में, तो बहुत पसंद है कुकिंग। अब मैंने यहाँ पे बेकिंग शीट लिया है, इसे बटर पेपर भी बहुत लोग बोलते हैं, 5 मिनट पेपर भी बोलते हैं इसे। इस पे थोड़ा सा बटर मैं यूं ग्रीस कर रही हूँ, बस हल्का सा ग्रीस करना है ताकि आप जब केक निकालें तो इजीली बिना चिपके बाहर आ जाए। नहीं भी करेंगे तो भी ये पेपर इतना होता है कि बाहर निकल आता है, बट आई ऑलवेज यूज टू डू प्रिकॉशन के लिए। और ये रहा मेरा बेकिंग ट्रे, और मैं इसमें यूं लगा देती हूँ, सेट कर दें। और ऑब्वियसली मैं बोलना भूल गई, ये मैं ओवन में बना रही हूँ, तो ओवन को प्री हीट ज़रूर कर लें। मैंने 350 पे प्री हीट के लिए जब मैं रेसिपी स्टार्ट की थी, जब मिक्सिंग स्टार्ट किया था उससे पहले ही मैंने डाल दिया था, जब सब कुछ रेडी कर रही थी उसी वक्त लगा दिया था। तो आप इसे लगा लें, पहले ही प्री हीट कर लें 350 पे,
और ऑलरेडी अब प्री हीट पे ही है। और अब मैं ये बैटर इसमें डालती हूँ। बैटर बनकर तैयार है, यम्मी बैटर, वनीला केक। इसमें कर दिया, सब डाल दिया। चलिए अब इसे लगाते हैं ओवन में। सो मैंने इसे सेट किया है 15 मिनट्स के लिए 350 डिग्री पे। चलिए करते हैं वेट 15 मिनट्स के लिए, फिर देखते हैं। सो ओवन में मैंने केक को डाल दिया। ये देखिए ओवन बिल्कुल गर्म है, आपको रेड रॉड दिख रहा होगा। इसे करते हैं क्लोज। सो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं 15 मिनट बाद। देखिए केक ऊपर से तो हल्का बेक हो गया, लेकिन अंदर लिक्विड बाकी है और इतना फ्लफी है कि लिक्विड निकल के गिर रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्लफी बन रहा है केक। तो चलिए इसको फिर से थोड़ा सा और टाइमिंग लगाते हैं, 350 पे ही करती हूँ वरना जल जाएगा, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं उसका कलर कैसा हो गया है। हमें और इसे 12 मिनट्स के लिए इसे हम फिर से बेक पे लगाएंगे, ताकि और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, अंदर तक बेक हो जाए। उसके बाद फिर वेट करते हैं जब तक ये बेक हो रहा है 12 मिनट्स के लिए। फ्रेंड्स तो ये केक बन के तैयार है, ये देखिए कितना फ्लफी है, ये देखिए बहुत गर्म है। तो चलिए इस पे फ्रॉस्टिंग करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं ठंडा होने का, फिर इसे कट करेंगे, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। सो ये मैंने फ्रॉस्टिंग लिया है वनीला, जैसा मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। और अब मैं बहुत हल्का सा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रॉस्टिंग के बाद मेरा केक बनके तैयार है। ये एक स्माइली फेस केक है, तो मेरे बच्चे की फरमाइश पे बनी है, तो स्माइली फेस केक है। इसमें मैंने ब्लूबेरी से वो कर दिया है, स्माइली बनाया है, और इस तरह से सब तरफ ब्लूबेरी डाल देती हूँ। ब्लूबेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप चाहे तो ब्लूबेरी को या कोई भी बेरीज को केक के बैटर में भी मिक्स करके कुक कर सकते हैं। ये देखिए, सो मेरा केक बनके तैयार है, ये देखिए। थैंक यू, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड ट्राई दिस ट्रिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी थी ट्रिक के ऊपर। तो क्या ट्रिक करें ताकि ये स्पॉन्जी बने। चलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ उसका स्पॉन्ज। इस टिप्स के साथ बनाएं इस केक को।